हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज फिर जुमा है और लॉकडाउन जारी है, इसलिए आपसे फिर से इल्तिजा है, गुजारिश है कि लॉकडाउन में जुमे की नमाज़ नहीं हो रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने घरों पर ही नमाज ज़ुहर अदा करें, यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो हम और आप सबके भलाई के लिए राज्य शासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। एक और सबसे अहम बात आपसे करना है कि आज पूरी उम्मीद है कि रमज़ान और मुबालिक का चांद हमें दिख जाएगा और आज से तरावी शुरू हो जाएंगी। डीएम साहब और एसपी साहब के दरमियान तमाम शहर के इमामों के साथ ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन की एक बैठक हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि हम सब लोग तरावी की नमाज़ भी 1+2 यानी कि एक इमाम और उनके साथ एक मुअज्जिन और एक कोई भी व्यक्ति जो भी चाहें वो हो सकते हैं, नमाज में सिर्फ 3 ही लोग रहेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हम और आप जो हमें निर्देश दिए गए हैं, जो ताकीद की गई है, उसका पालन करें और ये कतई ना करें कि हम मस्जिदों में जाकर तरावी पढ़ने की कोशिश करें। हमारी आपसे बहुत बहुत पुरजोर गुजारिश है कि आप ज़रूर जो हमारे लिए निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करें, उसी में हमारी और आपकी भलाई है। याद रखिए, तरावी में और जो जुमे की नमाज़ होगी, जो भी नमाज़ें होंगी 5 वक्ता, वो अज़ान के साथ मस्जिद में नमाज़ें होंगी। और जिस तरह गुज़िश्ता सालों में हम सब लोग माइक के ज़रिए तरावी की इत्तला लोगों को देते रहे, वह भी जारी रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई गुमानियत नहीं है। बस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मस्जिदों में ये कहा गया है कि सिर्फ 3 लोग ही मौजूद रहें नमाज के वक्त। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि 5 वक्त की नमाज में और जो तरावी की नमाज होगी उसमें एक पेशमाम, एक मुअज्जिन और एक मुक्तदी ही रहेंगे, उसके अलावा मस्जिद में कोई मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर 3 से ज़्यादा हुए और किसी वक्त पुलिस का इंस्पेक्शन हुआ तो ये बात हमारे लिए बेजा होगी, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। हम सब लोग इस ज़िले के अमन पसंद और नियम और कानून को मानने वाले लोग हैं। ज़िला मुस्लिम एसोसिएशन आपसे अपील करती है कि आप जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए 5 वक्ता नमाज और पूरे रमज़ान भर जो तरावी होगी उसमें आप 3 ही लोग मस्जिदों में रहें। लॉकडाउन 3 मई के बाद अगर कोई हालात बदलते हैं, कोई नए इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो फिर उसमें आपको ज़रूर हम लोग इत्तला देंगे।